यहाँ पे आप देखें, सिर्फ सेटिंग एक चेंज की है हमने और हमारा सिस्टम जो है प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे जा रहे हैं। इसी तरह आपका लैपटॉप भी है वो रिपेयरिंग पे जा सकते हैं, आपका सिस्टम भी रिपेयरिंग पे जा सकते हैं विंडो 10 या विंडो 7 के रिलेटेड। यहाँ पे इसको हमने डायग्नोस पे तो नहीं जाना, लेकिन हम सिस्टम को रजिस्टर करके बायोस सेटिंग जो है चेंज कर देंगे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HY Info। आज एक छोटी सी बिल्कुल वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये जो है अगर आपके सिस्टम पे हार्ड ड्राइव शो ना हो रही हो तो आपने आपका सिस्टम लाजमी है कि वो विंडो पे नहीं जाएगा और आपको स्टार्टिंग पे ही वो एरर देगा। वो क्या एरर होते हैं वो आपने अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये एरर अगर आपकी स्क्रीन पे आए तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि आपकी जो ड्राइव है हार्ड ड्राइव वो सिस्टम को नहीं मिल रही, इसकी वजह से ये एरर जो है आ रहा है। आप अगर इसको कंट्रोल आर डिलीट करके ठीक है प्रेस करने के बाद रिस्टार्ट भी करते हैं, F2 इसकी बायोस सेटिंग है, यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद आपने हार्ड ड्राइव देखनी है कि हार्ड ड्राइव शो हो रही है कि नहीं। यहाँ पर आपने आने के बाद एडवांस में आएंगे, ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पे जब आके आपने एंटर करना है तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपकी हार्ड ड्राइव शो हो रही है कि नहीं। यहाँ पर आप देखें तो 1 पे वो आपको बता रहा है कि आपकी हार्ड ड्राइव ठीक है। इसको हमने क्या करना है कि हम चेक कर लेते हैं एक बार, सिस्टम को पहले शट डाउन करेंगे। यहाँ पर आपकी जो ये डाटा केबल है इसको आप या तो चेंज कर लें या इसको एक बार उतारने के बाद ठीक है इसको दोबारा लगाएं फिक्स करके अच्छी तरह। हार्ड ड्राइव की केबल जो है मैंने लगा दी है, अब दोबारा इस सिस्टम को ऑन करते हैं। आपने देखा है कि सिस्टम को हार्ड ड्राइव प्रॉपर नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से वो एरर आ रहा था। अभी हार्ड ड्राइव मिली है तो वो सिस्टम जो है अपनी रनिंग कंडीशन में आ गया है और डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ऑन हो जाएगा। आपके अगर लैपटॉप हैं, पुराने लैपटॉप हैं, उनकी अगर हार्ड ड्राइव जो है आप लैपटॉप उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, अक्सर औकात क्या होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो अंदर से हिल जाती है और आपको यही एरर शो करेगा, या कोई और एरर भी शो कर रहा है कर सकता है, या विंडो रिपेयरिंग पे आपका सिस्टम जाता है। विंडो रिपेयरिंग पे भी जब आपका सिस्टम जाए तो दो ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो आप ऑन कर लें। अभी मैं दिखाता हूँ भी आपको वो भी ऑप्शंस। ऑप्शन दिखाने से पहले बस यही है कि चैनल पे जो न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। देखें तो सिस्टम डेस्कटॉप पे है, अपनी रनिंग कंडीशन में है, और अगर विंडो रिपेयरिंग पे जाए तो कौन सी सेटिंग ऑन करनी है वो आप देख लें। अभी सिस्टम का फिलहाल मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी बायोस सेटिंग होती है, अक्सर औकात क्या होता है कि आपका लैपटॉप आपको जब ऑन करते हैं तो वो विंडो रिपेयरिंग पे जा रहा होता है, तो उसमें दो ऑप्शंस होती हैं, आपका सिस्टम भी आपका लैपटॉप भी, तो आपने क्या ऑप्शंस ऑन करनी है वो देख लें। ये F2 मैं प्रेस कर रहा हूँ बायोस के लिए। यहाँ पर आप देखें तो एडवांस में आने के बाद ड्राइव में आता हूँ, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना ATA एंड आगे स्लैश IDE मोड, ये सबसे ऊपर, यहाँ पे अभी नेटिव है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके इसको लेगेसी कर देता हूँ और F10 करके मैं इसको सेव करके सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखें सिर्फ सेटिंग एक चेंज की है हमने और हमारा सिस्टम जो है प्रीपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे जा रहा है। इसी तरह आपका लैपटॉप भी है वो रिपेयरिंग पे जा सकते हैं, आपका सिस्टम भी रिपेयरिंग पे जा सकते हैं विंडो 10 या विंडो 7 के रिलेटेड। यहाँ पे इसको हमने डायग्नोस पे तो नहीं जाना, लेकिन हम सिस्टम को रजिस्टर करके बायोस सेटिंग जो है चेंज कर देंगे दोबारा। हमने लेगेसी की है और IDE मोड की है, हम सिंपल उसको दोबारा सेटिंग चेंज कर देते हैं। F2 में करके बायोस में आ गया हूँ। यहाँ पे ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ऊपर HE है, तो यहाँ पे हम इसको ID कर देते हैं और नेटिव को हम कर देते हैं लेगेसी। F10 करेंगे, सेव कर देंगे। बस कर क्या होता है कि रिपेयरिंग पे जा रहा होता है सिस्टम और हम क्या करते हैं कि उनको विंडो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो विंडोज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ आपकी बायोस का प्रॉब्लम होता है। आपने देखा है कोई एरर नहीं आया और सिस्टम हमारा जो है डेस्कटॉप पे अभी आ भी जाएगा। सिस्टम हमारा डेस्कटॉप पे आ गया है और बहुत सिंपल सी जो है सेटिंग है। अगर आपके सिस्टम पे भी ऐसी प्रॉब्लम आए, एक तो हार्ड ड्राइव की केबल आपने चेक कर लेनी है, पावर केबल, डाटा केबल, लैपटॉप है तो लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को भी आपने इसी तरह प्रॉपर फिक्स करके लगा लेना है, और फिर भी अगर रिपेयरिंग पे जा रहा हूँ तो आपने बायोस सेटिंग पे जाके सेटिंग चेंज कर लेनी है, आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी शो हो जाएगी, और अगर सिस्टम पे प्रॉब्लम है तो सिस्टम की हार्ड ड्राइव भी इसी तरह आपने शो कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और भाई को भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।